हरिओम, मैं पूजा वीरा पराग सिंह वैद्य। मैं 1999 साल से बापू के परिवार में आ रही हूँ। सबसे पहले मेरे परिवार में से मेरी मम्मी बापू के यहाँ पे आने लगी है। मेरी मम्मी हर शनिचार की उपासना को जाती थी, मतलब अपने सेंटर में हर शनिचार को जो उपासना चलती है वहाँ पे वो हर शनिचार को जाती थी। परम पूज्य बापू जी को साक्षात रूप में कभी देखा नहीं था। उसकी मम्मी की बापू भक्त ही फ्रेंड ने उसको बापू डिसिल्वा हाई स्कूल में खुद प्रवचन करते हैं इसकी जानकारी उसने मम्मी को दी थी। तो एक दिन फोर्स करके वो हमें डिसिल्वा के लिए मना रही थी कि तुम लोग चलो देखो बापू का कैसा रहता है, बापू का प्रवचन सुनो करके। फिर एक दिन ऐसा योग आया कि हम लोग, हाँ मेरी मम्मी रेडी हो गई और उसने सोचा कि ठीक है, हम लोग वो इतना बात वो हम लोग को फोर्स कर रही है तो हम लोग एक बार जाके देख लेंगे क्या है करके। तो मुझे वो उसके साथ लेके गई। मैं 9th या 10th में थी तभी मुझे दर्शन मिलेगा इस हिसाब से मुझे लेके गई। हम लोग वहाँ पे दर्शन के लिए गए, प्रवचन सुना हम लोग ने, फिर दर्शन के लाइन में खड़े हो गए। मेरा नंबर आया, मैंने दर्शन लिया और मैं आगे बढ़ गई। मेरे पीछे ही मेरी मम्मी ने दर्शन लिया और वो भी आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते ही उसने मुझे पूछा, क्या तुझे तेरे सर पर बापू ने हाथ रखा था ना? मैंने नहीं कहा। और उसी समय बापू जी ने मेरी ओर देखकर मुझे बुलाया और उनका हस्त स्पर्श मेरे सर पर रखकर उन्होंने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया। और सच में मैं कहना चाहती हूँ कि उस हस्त स्पर्श का आज मेरे जीवन में जो बदलाव है, मेरा जीवन इतना सुंदरता सहजता से इतना चल रहा, आगे बढ़ रहा है ना, मैं आपको शब्द में वर्णन नहीं कर सकती। मुझे आपसे आप सबसे एक बात कहनी है, एक बार उनका पितृवचन सुनकर देखिए, आपके जीवन में जो बदलाव होएगा ना आप खुद ही जान जाओगे। और यही थी मेरी और मेरे बापूजी की पहली भेंट। हरिओम श्री राम अम्बद्य नाथ संवित।